क्या बकरी ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर होगा तगड़ा बवाल? क्या भाईजान की सीधी भिड़ंत होगी रॉकी भाई से? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ भला? अभी कुछ टाइम पहले ही तो राधे की रिलीजिंग को पोस्टपोन करने की खबरें आ रही थी, और उन खबरों में राधे को इस ईद नहीं तो उस ईद यानी कि साल 2022 को रिलीज किए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जब भाईजान ने अपने चाहने वालों से कमिटमेंट कर डाली है तो उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल रिलीज ना होके इसी साल बकरा ईद के खास मौके पर रिलीज की जाएगी, क्योंकि इस मीठी ईद यानी कि 13 मई को सलमान खान की राधे सबका मुंह मीठा करवा पाए ऐसा लग नहीं पा रहा है। लेकिन अब सलमान भी यही सोच रहे हैं कि जब फिल्म ईद पर ही रिलीज करनी है तो फिर भाई ईद तो ईद है, चाहे वो मीठी ईद हो या फिर बकरा ईद। लेकिन ये फैसला कहीं सलमान खान को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जहां बकरा ईद जुलाई के महीने में पड़ रही है तो उसके चंद दिन पहले ही साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड मूवी जिसका क्रेज लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है KGF 2 रिलीज होगी। यानी कि एक ही महीने में दो मेगा बजट फिल्मों वो भी एक साथ ही कुछ टाइम के गैप पर बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो आखिर ये मैदान किसका होगा, ये वाकई देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि यश की KGF फिल्म का फैन बेस भी बहुत तगड़ा है और राधे की रिलीजिंग का भी सलमान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर सच में राधे जुलाई के महीने में ही रिलीज होती है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक फिल्म को नुकसान चुकाना पड़े। हालांकि वो कौन सी फिल्म होगी ये कहना थोड़ा नहीं बल्कि काफी मुश्किल है, क्योंकि दोनों की फिल्में एक से बढ़कर एक है। लेकिन आप कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं और राधे और KGF 2 में से आपकी पहली चॉइस क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियां, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।